क़िबला आलम के मामूलात में ये था, कशफ के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, बंदा अपने अंदर झांकना शुरू हो जाता है, मन की खिड़की खुल जाती है। दुरूद ताज तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, सभी कलाम माशाल्लाह अच्छे पढ़ते हैं, तो चूँकि कवाली आमतौर पर हमारी महफल में ज़्यादा लेट हो जाती है, नींद आ जाती है, नींद का गलबा हो जाता है, जागते हुए इश्क का पैगाम सुनेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, जागते हुए सुनेंगे मज़ा आएगा। तो मैंने पहले कहा ना, सुनने में ज़्यादा मज़ा है, सुनना सीखे। हालांकि मेरा प्रोग्राम कोई बाकायदा आज बयान करने का नहीं था, मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि थोड़ी देर तक टू कीप यू एंगेज फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक आप किसी के मुंतजर हैं। आप देखें, अब एक हदीस मुबारक मैं आपको सुनाता हूँ कवाली के हिसाब से ही। हुजूर ताजदारे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आरफ फिरोज साहब बोलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता, वो जो कि उधर बैठे हुए हैं अभी, तो बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर ताजदारे कायनात आप चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, और सीधा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी। खुशी के दिन थे, कुछ बच्चियां आ गई आपके पास, कुछ बच्चियां आ गई, दफ बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिए, जिस तरह हमारे कौमी तराने होते, इस तरह का कोई कौमी जिसमें जंगों के हालात थे वो बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, जैसा हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, एक अपनी सकाफत होती है। तो सीधरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उसे सुनती रही, महसूस होती रही। हुजूर ताजदारे कायनात जागते हुए भी खामोश रहे कि चले करने दे जो कर रहे हैं। इसी दौरान सीधरा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद हुई। आप आए तो आपने कहा ये क्या काम कर रहे हो आप, आका अलैहिस्सलाम के घर में ये गाना बजाना ये क्या कर रहे हो? आपने रोका, वो सारी सहम के बैठ गई। अब देखें सरकार का फरमान सुन्नत, सरकार का फरमान सुन्नत, सहाबा का फरमान भी सुन्नत, सहाबा का फरमान भी सुन्नत। अब हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा अन्हो का मना करना, इससे सिलसिला नक्शबंदिया की इब्तिदा होती है। एक हदीस से सिलसिला नक्शबंदिया की इब्तिदा इधर से होती है, और हुजूर ताजदारे कायनात का खामोश रहना, और जब आपने मना किया तो सरकार ने ऊपर से चादर हटाई और कहा कि चले इन्हें पढ़ने दें, गाने दें, खुशी के दिन है, इन्हें मौज करने दें। इससे इब्तिदा होती है सिलसिला कादरिया की, सिलसिला चिश्तिया की, जो सुनते हैं। असल एक ही हदीस है और है भी बुखारी शरीफ से। कवाली सुनना या सुनाना हराम नहीं है, कवाली सुनना या सुनाना हराम नहीं है, अपने अपने शौक की बात है, कोई इसमें से लेता क्या है, बुराई इसमें नहीं है, बुराई कलाम क्या पढ़ते हैं आप, फाशगोई करते हैं, को गलत काम करते हैं तो वो तो सादा भी करेंगे गलत है, वो उस पे करेंगे गलत है, हर जगह पे करेंगे गलत है। अगर काम सही हो तो देखें, सही काम था तो 90 लाख ने इस्लाम कबूल किया ना, काम सही था ना, मकसद क्या था? जब कुरान पाक में हुक्म आया उदू इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, ऐ मेरे मुस्तफा उदू इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा, हिक्मत के साथ इन्हें अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाएं, आपके रब का जो रास्ता है इन्हें हिक्मत के साथ बुलाएं।
अब उन्होंने उस सकाफत के हिसाब से हिकमत ये अपनाई, उन्हें बुलाया, इज्जत दी, खाना खिलाया और पैगामे तौहीद दिया, पैगामे तौहीद दिया। इधर अजमेर शरीफ में हिकमत ये थी, उनका दिल लगता था तबले में, उनका दिल लगता था बाजे में। आपने कहा बाजा बजाओ, तबला बजाओ, बुलाओ पैगाम यार का सुनाओ, पैगाम यार का सुना दो, पैगाम यार का सुनाया, बातें उसकी की, बातें उसकी की, बातें ऐसी हुई, ऐसी चली बातें, ऐसी हुई बातें कि फिर कोई बात न रही। ख्वाजा अजमेर जिस इलाके में थे ना, लोग डरते थे, अपने बच्चों को जाने नहीं देते थे, हिंदू घबराते थे कि उधर से गए तो ये तो मुसलमान हो जाएंगे, कलमा पढ़ लेंगे। तबला सुन के भी कलमा पढ़ा जाता है, तबला सुन के कलमा पढ़ा जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 90 लाख को कलमा पढ़ाया है ना, अगर पढ़ाने वाला हो तो। मैंने पहले अर्ज किया है कि असल में आग तो पत्थरों में होती है, जब टकराते हैं तो अंदर से निकलती है तो पता लगता है। तो यही कुछ सीन कवाली में भी होता है। कवाल असल में कौल से है, कौल से कवाल, इसका एक ही मादा है। तो अब ये कौल ही पढ़ेंगे, कुरान पाक की बेशुमार आयात भी आपको सुनाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आता है मुझे तो इस किस्म के कवाल हज़रात को सुनने का, जो पढ़े लिखे हों, जिन्हें कुछ पता हो, जो साथ वजाहत भी करें, बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों को सुनने का। तो मैं बात कर रहा था कि आज हुज़ूर क़िबला आलम का सालाना उर्से पाक है, उस सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं। और देखें ये ताल्लुक, ये रिश्ते उस दिन काम आएंगे जिस दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, जिस दिन सारे रिश्ते साथ छोड़ दे जाएंगे। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में यह हदीस आई है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयबअसनल्लाहु अक्वामल यौमुल कियामा, रब्बुल आलमीन क़यामत का जब दिन होगा एक ऐसी कौम को उठाएगा, लयबअसनल्लाहु अक्वामन यौमुल कियामा, दिन क़यामत का होगा, मैदान महशर का होगा, रब ऐसी कौम को उठाएगा, फी वजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरों में अल्लाह का नूर होगा, फी वजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरों में अल्लाह का नूर होगा। आप में जिस जिसने हुजूर क़िबला आलम को देखा है, शायद उस नूर की झलक आपको याद हो, फी वजूहिहिमुन नूर, जो देखे देखता चला जाए, जो देखे शक्कर रह जाए, हैरान रह जाए, क्योंकि अंदर चेहरे के अंदर जो नूर है वो नूर मुस्तफ़ा है, फैजान मुस्तफ़ा है। फी वजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरे में नूर होगा। अला मनाबिरिल लुलुए, बैठे होंगे नूर के मिंबरों पर, मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे। यबतुहुमुन नास, लोग रश करेंगे, लैसु बिअंबिया अवला शुहदा, लोग रश करेंगे उनके मकाम को देखकर, मौला नवाजा कितना, मौला हुसन कितना, मौला कमाल कितना, मौला जोहद कितना, मौला बुजुर्गी कितनी, मौला तकवा कितना, मौला तहारत कितनी, मौला अता कितनी, मौला सहा कितनी। यकबतुहुन्नास, जब देखेंगे अल्लाह का करम, फैजान नबूवत, हुजूर ताजदारे कायनात का करम जब देखेंगे, यकबतुहुन्नास, देखते रह जाएंगे, मैदान मैचर का होगा, 120 सफे होंगी, सारे देखेंगे, यग्बितुहुमुन्नास, सारे देखेंगे। और वो लोग लैसु बिअंबिया वला शुहदा, अच्छा अच्छा ठीक।
लैसु भी अंबिया वाला शोहदा। बस मैं ये हदीस पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जिक्र भी करना है हमने। वो ना अंबिया होंगे ना शोहदा होंगे, लैसु भी अंबिया वाला शोहदा, ना अंबिया होंगे ना शोहदा होंगे। तहाबून फिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की खातर मोहब्बत करते होंगे। मिन कबाइल शत्ता व बिलादन शत्ता, मुख्तलिफ कबीलों से होंगे, मुख्तलिफ बरादरियों से होंगे, विलायत किसी एक बरादरी की नहीं है। मिन कबाइल शत्ता व बिलादन शत्ता, मुख्तलिफ कबीले होंगे, मुख्तलिफ बरादरियां होंगी। मिन कबाइल शत्ता व बिलादन शत्ता, मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ बरादरियों से। यत्तबिउना अला ज़िक्रिल्लाह यज़कुरूनहू, एक चीज पर इकट्ठे होंगे। यत्तबिउना अला ज़िक्रिल्लाह यज़कुरूनहू, जो अल्लाह का जिक्र करते होंगे उसमें वो इकट्ठे होंगे। ज़ाकर तो सभी होंगे, कोई बगदाद में ज़ाकर, कोई अजमेर में ज़ाकर, कोई पाक पतन में ज़ाकर, को लाहौर में ज़ाकर, को मरहेज शरीफ में ज़ाकर। ज़ाकर तो मुख्तलिफ जगह पे होंगे, मज़कूर एक होगा। यज्तमीउना अला ज़िक्रिल्लाह यज़कुरूना, एक चीज पर वो जमा हो जाएंगे। तो आज हम हुजूर क़िबला आलम का उर्स मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब चूंकि हमारी हफ्तावार महफिल जिक्र का प्रोग्राम भी है, मुख्तसर सा हम का जिक्र करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम भी कवाली सुनेंगे, आप भी कवाली सुनेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।